सैयद और शाह में क्या फर्क है मुझे क्या पता। सैयद अरबी का लफ्ज है, शाह फारसी का लफ्ज है, और तो कोई फर्क नहीं है। जैसे बंदे और इंसान में क्या फर्क है, अल्लाह के बंदे हैं, सैयद अरबी का लफ्ज है, सैयद माना सरदार, शाह एक फारसी लकब है, शाह शहनशाह शाहान शाह, जैसे इकबाल भी बेचारा कह बैठा है कि शाह हस्त हुसैन शहन शाह हस्त हुसैन, बेचारे को पता नहीं था कि किसी इंसान को शहन शाह कहना मना है, क्योंकि शहन शाह अल्लाह की सिफत है, वो मलिक उल्लमलाक है और कोई शहन शाह नहीं हो सकता। कोई फर्क नहीं है हजरत, आपके यहाँ तो कुरैशी भी शाह हैं और सैयद भी शाह हैं और सब शाह हैं माशाल्लाह, जिसके पास पैसे हों शर्त ये है वो शाह है, ना हो तो छोड़ो यार, ये कुरैशी हैं बेचारे मांगते फिरते हैं, ये पता नहीं बेचारों को असल जात है ये कुरैशी। सैयद तो लकब है, सैयद कोई जात तो नहीं है। पाकिस्तान में जो सैयद और शाह हैं कहाँ से इज्जत करके थे, उनसे पूछना कहाँ से आए हैं, नहीं अगर पाकिस्तान में कोई सैयद है या शायद उनसे पता करना कि वो कहाँ से आए, मुझे क्या पता है। हर कौम में मुख्तलिफ इलाकों से ही हिजरत करके आई है, तो हर इलाके के अहवाल के मुताबिक पता करें भी तुम कहाँ से आए हो, आपका क्या ख्याल है, सारे शाम सैयद मदीने से गए, मदीने से कोई नहीं गया, मदीना छोड़ के देर बाद क्यों जाएंगे, दिमाग खराब हो गया उनका,